अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सराइकी रिपोर्टर। आज एक नए टॉपिक के साथ, नए आइडियाज़ के साथ आपके साथ मशवरा करना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि सर मुजफ्फरगढ़ में कौन सा इंस्टीट्यूट रजिस्टर है, कौन सी किसके पास कितनी सीट्स हैं, मुल्तान के अंदर कितनी है, मतलब लाहौर बोर्ड जो फार्मेसी काउंसिल है कौन कौन से कॉलेज उनसे मंजूर है, कौन कौन से शहरों में है और कितनी सीट्स हैं। क्योंकि इसकी वजह ये बन रही है, लोगों को पता होता नहीं है, बच्चों को पता नहीं होता कि कौन सा कॉलेज मंजूर है या नहीं है। अभी तक काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिनको पता नहीं होता कि ये कॉलेज क्या मंजूर करवाने पड़ते हैं। जब वो एडमिशन ले लेता है तो उसको बाद में पता चलता है कि ये कॉलेज मंजूर नहीं है, फिर वो कॉलेज वाले ये करते हैं जब मंजूर नहीं है, आगे किसी कॉलेज रजिस्टर से इंस्टीट्यूट से बात की कि हम आपको आधे पैसे देते हैं, हमारे बच्चों के एडमिशन भेजते हैं। जिस कॉलेज के पास फ्री सीट्स होती हैं, जिनके पास एडमिशन जो मतलब किसी के पास 60 होती है, किसी के पास 70 होती है, किसी के पास 80 होती है, इस तरह जिसके पास अगर कोई रह गई है 10-15, वो फिर आगे कॉलेज वालों को शेयर कर देता है। अगर किसी कॉलेज की कोई ना रहे तो बच्चों को फिर अगले स्टेप पे अगले साल में डाल देते हैं कि इस साल इसका एडमिशन जाएगा, मतलब कोई भी इशू निकाल लेते हैं। कुछ बोर्ड वाले जलील करते हैं, कुछ कॉलेज वाले जलील करते हैं। उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये एक पॉलिसी बनाई है कि मैं आपको लाहौर बोर्ड के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूट रजिस्टर हैं उनके नाम बताऊं, उनके पास कितनी सीट्स हैं वो बताऊं, और कौन सा कॉलेज अच्छा है और कितनी फीस ले रहा है, ये सारी चीज़ें मैं सर्च करके आपके साथ शेयर करूंगा। आपने हमें ये बताना है कि या क्या ये चीज़ ठीक है या गलत है। तो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, इस वक्त कौन कौन से शहर हैं जिनके अंदर फार्मेसी कौन सा रजिस्टर है। लाहौर के अंदर एक आज़ाद जम्मू कश्मीर है, इस्लामाबाद ले लें, नारोवाल ले लें, और अटक ले लें, झंग ले लें, उपाड़ा ले लें, भावल नगर ले लें, झेलम ले लें, पाकपतन ले लें, भावलपुर ले लें, कसूर ले लें, रहीम यार खान ले लें, बखर ले लें, खानेवाल ले लें, राजनपुर ले लें, और खुशाब ले लें, रावलपिंडी ले लें, भूरेवाल ले लें, लाहौर ले लें, साहिवाल ले लें, चकवाल ले लें, लैया ले लें, सरगोदा ले लें, और इसके अलावा चिनोड ले लें, नोधरा ले लें, शेखुपुरा ले लें, डेरा गाजी खान ले लें, मंडी भावलदीन जिक्रिया और सॉरी मंडी भावलदीन, सियालकोट ले लें, फैसलाबाद ले लें, मियाँ वाली ले लें, टोबा टेक सिंह ले लें, गोजरावाला ले लें, मियाँ चन्नू बिहाड़ी, और हाफिजाबाद, मुजफ्फरगढ़, वजीराबाद, और आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा वो आप देख लें, ये कॉलेज मतलब इन डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज फार्मेसी काउंसिल जो है मंजूर है, इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये कोर्सेज हो रहे हैं फार्मेसी के, मतलब रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है। अब बात क्या है कि अब मैं हर कॉलेज के, अब कितने डिस्ट्रिक्ट हैं आपके सामने, 25-30 डिस्ट्रिक्ट बनते हैं, ज़िले बनते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के 10-10-12-12 अपना कॉलेज हैं, फिर सब की डिटेल बनाना एक वीडियो में मुश्किल होगा। तो आज जस्ट यही आपसे मशवरा लेना था, क्या ये मेरी पॉलिसी ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी मेरी मेहनत लगेगी, हर शहर को चेक करना, उनके नंबर लेना, उनकी फ़ीसों का स्ट्रक्चर रब्ता करना स्टूडेंट्स बन के कि ये फलां कॉलेज की कितनी फ़ीस है, फिर आपके साथ शेयर करना, इसी तरह ये सारा एक प्रोसेस है। थोड़ा मुश्किल तो है लेकिन आपको प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि बी कैटेगरी के जो भी हमारे चैनल पर आते हैं ज़्यादातर परेशान हमें लग रहे हैं कि हम चाहते हैं उनको सपोर्ट करते रहें, उनकी जो सवाल आते हैं उनके साथ उनके जवाब आते हैं, आपको सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करें। तो अगर आपको ये प्लानिंग ये सोच अच्छी लगी है तो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और विज़िट करना है। इस पर मैंने हर आपके जो बी कैटेगरी के रिलेटेड जितने भी सवाल बनते हैं इस चैनल पर मैंने शेयर कर चुका हूँ, और फेसबुक पेज भी बिसरा की रिपोर्टर पर शेयर कर चुका हूँ, आपने विज़िट करना है पेज भी। अगर पेज यूज़ नहीं करते आपको पता नहीं चल रहा, अगर यूट्यूब पर बैठे हैं तो यूट्यूब पे आपने ये चेक करनी है चीज़ें। अगर फिर भी ये चीज़ें आपको कुछ ऐसे सवाल होते हैं, क्योंकि हज़ारों सवाल होते हैं, हर चीज़ के हज़ारों नुक्स होते हैं, तो उन नुक्स का जवाब देने के लिए मैं आपके साथ वीडियो बनाऊँगा। अगर उसके रिलेटेड कोई और डिग्रीज हैं, किसी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपने वो कमेंट्स बताना है, तो मैं वो आपके साथ जल्दी उसकी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी कुछ लोग हैं जो कमेंट्स कर रहे हैं, मैं काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स का जवाब नहीं दे पा रहा, वो भी इंशाल्लाह मैं कुछ ऐसे क्यूएनए वीडियो बनाऊंगा जिस पर उनके जवाब सवालों के जवाब बाद मिलेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह के पास।